डाउनलोड करें ट्रैवल इंडिया टीवी ऐप। पूरे जिम्मेदारी से बोलता हूँ। झारखंड बड़े पैमाने पर राजनीतिक उथल पुथल का गवाह रहा है। 19 साल के इस राज्य में 3 बार राष्ट्रपति शासन रहा है और 10 बार सीएम बदल चुके हैं। राज्य में 3 बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड अर्जुन मुंडा और शिबू सोरेन के नाम है। वहीं 3 बार मुख्यमंत्री बने शिबू सोरेन का पहला कार्यकाल मात्र 10 दिन का था। 28 दिसंबर 2014 से झारखंड के 10वें मुख्यमंत्री के रूप में रघुवर दास पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, जो अपने 5 साल के कार्यकाल को पूरा कर रहे हैं। 2019 की लोकसभा चुनाव में भाजपा बहुमत हासिल कर अपनी सरकार बनाने में कामयाब हुई है। लोकसभा चुनाव का एकतरफा परिणाम इसका संकेत दे रहा है। झारखंड में जिस तरह दल बदलने के मामले सामने आते रहे हैं और जिस तरह भाजपा की जीत देखने को मिली है, लगता है इस बार भी विधानसभा का चुनाव काफी रोचक रहेगा और जल्द ही राजनीतिक उठक पटक देखने को मिलेगा। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद से ही विपक्षी विधायकों ने विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित दलों की तलाश शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव में भी कुछ चेहरे सामने आए थे। राजद की प्रदेश अध्यक्ष अन्नपूर्णा देवी ने भाजपा में शामिल होकर सनसनी फैला दी थी। वहीं जय प्रकाश पटेल मांडू से झामुमो के विधायक हैं। लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने से नाराज पटेल अब भाजपा और उसके सहयोगी दल आजसू पार्टी के कार्यक्रम में नजर आते हैं। आजसू पार्टी के तमाम से विधायक विकास सिंह मुंडा अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के ज्यादा करीब हैं। उन्हें आजसू पार्टी ने अनुशासनहीनता के आरोप में निलंबित कर रखा है। इनमें ज्यादातर ऐसे विधायक हैं जिन्हें अपनी टिकट पर खतरा मंडराता दिख रहा है और ये अवसर रहते अन्य दल में अपने लिए सुरक्षित सीट फिक्स करना चाहते हैं। ऐसे कई विधायक हैं जो भीतर ही भीतर राजनीतिक आकाओं के संपर्क में हैं। 2014 के विधानसभा में 8 सीटें जीतने वाली बाबूलाल मरांडी का झारखंड विकास मोर्चा पस्त है। उनके 6 विधायक पहले ही भाजपा में विलय कर चुके हैं। उनके पास सिर्फ 2 विधायक बचे हैं। बाबूलाल मरांडी खुद चुनाव हार चुके हैं। मंगलवार 4 जून को भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रवीण प्रभाकर ने प्रेस वार्ता कर विपक्षियों पर निशाना साधा है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि बाबूलाल मरांडी जिनके खिलाफ संघर्ष करते थे, आज वही बाबूलाल मरांडी के आदर्श बन गए हैं। सवाल ये है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने इतने बढ़त के साथ पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाई है और विपक्षियों के खेमे में हड़कंप मचा दिया है। क्या भाजपा ऐसा ही हड़कंप फिर से विधानसभा चुनाव में मचाएगी? क्या ये कहा जा सकता है कि झारखंड विधानसभा में भाजपा की सरकार आना एक तरह से तय है? अब देखने वाली बात ये है कि जैसे जैसे झारखंड विधानसभा चुनाव करीब आएगी, कितने करीबी दूर जाते हैं, आने वाले झारखंड विधानसभा चुनाव के इस राजनीतिक दलदल में कितने दल बदल होने की संभावना है? हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।